इस वक्त पूरे देश में चुनावी बयार बह रही है। एक तरफ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, तो दूसरी तरफ चुनावी राज्यों में विधानसभा का विजय दुर्ग जीतने के लिए भी सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी कड़ी में तेलंगाना में भी इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यहां चुनाव से पहले ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM और कांग्रेस आमने सामने है, क्योंकि दोनों पार्टियां टॉप पोजीशन पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को खुला चैलेंज दे डाला। दरअसल हाल ही में ओवैसी ने हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और बिना नाम लिए राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि मैं आपके नेता को वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती देता हूं। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जमीन पर आइए, मुकाबला करेंगे। कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे लेकिन मैं तैयार हूं। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद और सचिवालय की मस्जिद गिराई गई। देखिए ओवैसी ने आगे क्या कुछ कहा। मुझे यकीन है कि कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आओ वायनाड क्यों, यहां हैदराबाद को आओ। दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, लाओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे। मैं तैयार हूं, मगर मैं तेलंगाना की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि याद रखो, सरजमीन हैदराबाद पर फसादात कांग्रेस की देन है। सरजमीन हैदराबाद पर मासूमों का लूट जाना पिट जाना कांग्रेस की देन है। हमने बड़ी मुश्किलों से अमन को मजबूत किया है, इस अमन को मजबूत रखिए और यकीनन बहुत से काम करवाना बाकी है, हम काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, मगर मस्जिद तामीर हुई, बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हुई। गौरतलब है कि ओवैसी की ये टिप्पणी राहुल गांधी के इस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी, बीआरएस और AIMIM तेलंगाना में आपस में सहयोग कर रहे हैं और उनकी पार्टी इस तिकड़ी के खिलाफ लड़ रही है। वहीं राहुल गांधी ने ये भी दावा किया था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और AIMIM प्रमुख के खिलाफ कोई CBI ED मामले नहीं है, क्योंकि PM नरेंद्र मोदी उन्हें अपने लोग मानते हैं। बहरहाल तेलंगाना विधानसभा चुनाव में विजयी होने के लिए मैदान में उतरे सभी राजनीतिक दल कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सत्तारूढ़ BRS ने पहले ही अपने उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस ने अपनी 6 गारंटी का ऐलान कर दिया है, जिसके बारे में पार्टी का कहना है कि अगर वो सत्ता में आई तो उन्हें पूरा किया जाएगा। ऐसे में तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच इस दिलचस्प होते सियासी घमासान में सत्ता की चाबी जनता किसे सौंपती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरी खबर के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।